मोरगढ़ के पास नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में टिल्लू गैंग के बदमाशों ने एक कैब चालक से दो मोबाइल और कार लूट ली। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम ने जीपीएस की मदद से आरोपियों को चंद ही घंटों में मेरठ से दबोच लिया। बदमाशों ने पीड़ित का फोन जंगल में फेंक दिया था। मोबाइल फोन को बरामद करने के लिए पुलिस टीम मोनू को लेकर देर रात मौके पर पहुंची। इसी दौरान आरोपी ने कांस्टेबल संजीव की पिस्टल छीन ली और फायरिंग करते हुए जंगल की तरफ भागा। लेकिन जवाबी फायरिंग में आरोपी की जांघ में गोली लग गई और वह घायल हो गया। घायल बदमाश मोनू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर हत्या के 3 मामले समेत कुल 30 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त राजीव रंजन सिंह ने बताया कि बुधवार को कैब चालक पुष्पेंद्र ने कार लूटने की शिकायत पुलिस से की थी। उसने बताया कि 3 बदमाशों ने कौशाम्बी से बवाना के लिए कैब हायर की थी। इसके बाद शाहपुर घड़ी के जंगलों में बदमाशों ने उसकी पिटाई कर कार व मोबाइल फोन लूट लिए। पीड़ित की शिकायत पर नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। जांच के दौरान पुलिस की टीम कार में लगे जीपीएस की मदद से उनका पीछा करते हुए मेरठ पहुंच गई। हल्की नोकझोंक के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 9mm की पिस्टल व 7 कारतूस बरामद कर लिए। पूछताछ के दौरान मोनू ने बताया कि उसने पुष्पेंद्र के दोनों मोबाइल लूट की जगह एक नाले में फेंक दिए। पुलिस 3 आरोपियों को घटनास्थल लेकर पहुंची। इस दौरान मोनू ने सिपाही संजीव की सर्विस पिस्टल छीनकर पुलिस टीम पर गोली चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुख्य बदमाश गांव लालहेड़ी सोनीपत निवासी महेश उर्फ मोनू उम्र 26 वर्ष पैर में गोली लगने से जख्मी हो गया। पुलिस ने उसके 2 साथी गांव अचेताना सोनीपत निवासी अनमोल उम्र 20 वर्ष और गांव गुहाना सोनीपत निवासी सतीश उम्र 27 वर्ष को पहले ही काबू कर लिया था। महेश की गिरफ्तारी पर हरियाणा पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। आरोपियों ने मई माह में सोनीपत के गांव करिवाड़ी में पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मोनू ने बताया कि वो लूटी गई कार से हरियाणा सोनीपत के बुताना गांव में किसी किशन की हत्या करने के लिए जा रहा था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मोनू और उसके साथी पहले किशन घंटा गैंग के सदस्य थे। बाद में यह सभी टिल्लू गैंग में शामिल हो गए। मोनू 30 से अधिक हत्या के प्रयास लूटपाट व अन्य वारदातों में शामिल रहा है। पुलिस 3 से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।